शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बात करेंगे यहां से अब सोयाबीन की। तो सोयाबीन का मार्च वायदा देख रहे हैं 7900 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सोयाबीन के मार्च वायदे में देख रहे हैं लगभग 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। पिछले कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि जो सोयाबीन थी 7900 का हाई लगाया था, फिर 7600 पर ट्रेड करती नजर आई थी, ऊपरी स्तर से तुरंत करेक्शन भी बन गई थी। लेकिन फिर से देख रहे हैं सोयाबीन 7900 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। बात करें यहाँ से अगर अब इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें बढ़त देखने को मिल रही है। 1630 डॉलर के ऊपर US सोयाबीन वायदा ट्रेड करता नजर आ रहा है। इससे पहले 24 फरवरी को जब रशिया ने पहली बार यूक्रेन पर अटैक किया था, तब हमने जो US सोयाबीन की जो मार्केट है उसको ऊपर में 1756 डॉलर तक भी जाते हुए देखा था। तो विदेशों में आई तेजी का असर सोयाबीन की घरेलू कीमतों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। एक तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम है, जिसकी वजह से पूरा वैश्विक यानी कि पूरा ग्लोबली सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है और उसकी चिंताओं के चलते यहाँ पर कीमतों में बढ़त है। दूसरा, भारत में किसानों ने सोयाबीन को होल्ड कर रखा है। मंडियों में सोयाबीन की जो अवेलेबिलिटी है, जो आवकें हैं, उपलब्धता है, वो काफ़ी कम है। तीसरा, अब रशिया यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से जो एडिबल ऑयल पैक है, जैसे कि आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो भारत यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल का बहुत बड़े पैमाने पर आयात करता है, इंपोर्ट करता है। तो वहाँ से जो आयात का जो आयात होना था सूरजमुखी के तेल का, वो इम्पैक्ट हुआ है और जो माल था वो पोर्टों पर रुका हुआ है। तो जो लोग हैं जो सूरजमुखी तेल का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसके ना आने से दूसरे तेल की ओर रुख करेंगे। तो ऐसे में सरसों और सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसकी वजह से जो खाद्य तेलों का जो बाज़ार है, स्पेशली सरसों, सोयाबीन और CPO, ये तीनों तेज देखने को मिल रहे हैं। तो सोयाबीन में भी आगे तेजी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन की कीमतें आने वाले दिनों में 8100 के बीच स्तर दिखा सकती है। सोयाबीन 8000 के भी पार जा सकती है। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।